नमस्कार दोस्तों, एरिस्टोटल जो कि एक ग्रेट फिलोसोफर थे, उनका कहना है कि 95% चीज़ें जो हम करते हैं वो हमारे हैबिट्स के कारण होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका फ्यूचर ज़रूर बदल देंगी। तो इसलिए मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ सक्सेसफुल लोगों के कुछ 6 कॉमन हैबिट्स जो हम सभी को सक्सेसफुल बना सकती है। सो नंबर 1 पे है विजुलाइजेशन। सक्सेसफुल लोग अपने गोल को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं। वो अपने ड्रीम को ऐसे विजुलाइज करते हैं जैसे उसे अचीव कर चुके हैं, और बार बार इतना क्लियर विजुलाइजेशन से उनका गोल उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, जो उन्हें एक रेगुलर फोर्स और मोटिवेशन इंटरनली देता रहता है, जिससे वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। वे अपने गोल को कैलकुलेटिव वे में पूरा करते हैं। अपने गोल को छोटे छोटे भाग में बांटना और हर एक भाग को एक फिक्स टाइम के अंदर कंप्लीट करना उनकी आदत होती है। आप किसी भी अच्छे स्टूडेंट से पूछ लीजिए, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले किस दिन क्या पढ़ना है, वही आपको बता देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्नॉल्ड श्वार्ज़नेगर। इन्हें मोस्टली लोग टर्मिनेटर मूवी से जानते हैं, लेकिन ये व्यक्ति पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर इनके करियर के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो एक बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं, एक हॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं, कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हैं और ये एक बिजनेसमैन भी हैं। मैंने पहला पॉइंट इन्हीं के स्टेटमेंट से लिया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते हैं, यू हैव टू ड्रीम बिफोर द ड्रीम कम्स ट्रू। तो सक्सेसफुल होने के लिए दूसरा पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है खुद पे कंट्रोल होना। आपके डिसीजन, आपके एक्शन रिएक्शन, वो आप कंट्रोल करें, आपकी माइंड कंट्रोल करें, ना कि आपकी लेजनेस, आपकी टालने की आदत और आपका मन उसे कंट्रोल करे। अगर आपने डिसाइड किया है कि आज से आप अपने ड्रीम के लिए हर दिन 1 घंटा देंगे और वो आप तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते, तो आप एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हैं। और भरोसा रखिए, एक ना एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें और सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, जिसके कारण हमें पता हो कि हमें कौन सा काम कब करना है, तो इससे हमें कई फ़ायदे होंगे। हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जो हम गलत कमिटमेंट कर लेते हैं जिसके कारण हमें बाद में अफसोस होता है, वो भी कम हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूस लर्निंग। हर सक्सेसफुल की एक आदत होती है कि वो हमेशा हर दिन सीखते रहते हैं, चाहे वो लोग किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो बुक सुनते हैं, अलग अलग स्किल सीखते हैं, अपने फील्ड में नेटवर्क ग्रो करते हैं ताकि लोगों से मिल सके और उनसे सीख सकें। आज भी नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट 500 पेजेस डेली पढ़ते हैं, बिल गेट्स 50 बुक हर साल पढ़ते हैं, और इलॉन मस्क के बारे में मैं क्या बोलूँ, उन्होंने बुक पढ़ पढ़ के स्पेस एक्स, टेस्ला, हाइपर लूप जैसी मल्टी मिलियनेयर कंपनी खोल दी। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि नॉलेज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है, और अगर आप एक स्टूडेंट होंगे या अगर आपने कभी भी बैंक से लोन लिया होगा तो आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और वो कैसे हर साल मल्टीप्लाई होते जाता है। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो हमेशा सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सो सक्सेसफुल होने के लिए चौथा पॉइंट है दे फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। इस पजल की तरह एवरेज मेंटेलिटी के लोग हमेशा प्रॉब्लम को देखते हैं, इसी कारण वो हमेशा प्रॉब्लम में फंस के रह जाते हैं। सक्सेसफुल लोग जो हैं वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं, वो ये खोजते हैं कि वो सॉल्यूशन तक कैसे पहुँचें। अगर उन्हें लगता है कि वो अकेले वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो वो फिर टीम इकट्ठा करते हैं, हाई परफॉर्मेंस टीम बनाते हैं और फिर वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि प्रॉब्लम खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इलॉन मस्क के ऑफिस में कोई ये कह देता है कि सर ये नहीं हो सकता, तो उस व्यक्ति का उस ऑफिस में आखिरी दिन होता है। वो कहते हैं कि ये मत कहो कि ये नहीं हो सकता, ये सोचो कि ये कैसे होगा। तो बी अ सॉल्यूशन सर्चर। सो पांचवा पॉइंट है रिव्यू योर फेलियर एंड सक्सेस। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपने फेलियर और सक्सेस से सीखता रहता है कि कौन सी सही चीज़ है जो उन्हें आगे लेके जानी है और अप्लाई करनी है, और कौन सी गलत चीज़ है जो उन्हें आज से ही छोड़ देनी है। फेल होना गलत नहीं है, उस गलती को दोबारा करना ये गलत है। सक्सेसफुल लोग ना फेलियर में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और ना सक्सेस को सर पे चढ़ा लेते हैं, वही हमेशा ट्राई करते रहते हैं और सक्सेस और फेलियर से सीखते रहते हैं। अगर आपको फेलियर से डर लगता है, तो एक व्यक्ति जिसने 21 साल की उम्र में बिजनेस ट्राई किया और वो फेल हो गया, 22 में उसने इलेक्शन लड़ा वो फिर फेल हो गया, 24 में उसने दोबारा से बिजनेस ट्राई किया और वो फेल हो गया, 26 में उसकी फियांसी की डेथ हो गई और 27 में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन 52 में वो अमेरिका का सबसे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बना, जिसे आज हम लोग अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। इसलिए फेलियर से कभी डरे मत, हमेशा ट्राई करते रहें, एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो सक्सेसफुल होने के लिए लास्ट पॉइंट है बी हेल्दी एंड हैप्पी।
अगर आपने ऊपर के पांचों पॉइंट को फॉलो किया लेकिन आपने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो आपके और आपके सक्सेस के बीच में ये सबसे बड़ी दीवार बन जाएगी। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जब तक आप हेल्दी और एक्टिव हैं तब तक आपका दिमाग ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। विराट कोहली जी भी कहते हैं कि जब तक वो फिट हैं तब तक वो हर दिन 120% फील्ड पे देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। सो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो वो आपके पास भी तुरंत पहुंच जाए।